हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर आज हम निकल लिए हैं अपने काम के लिए। रिटर्न आने वक्त हमको दवा लाना है आम के पेड़ का। ये आम का पेड़ हम लगाए थे तो इसमें जो है 1.5 साल हो गया, तो इसकी पत्तियाँ जो है ये सूखने लगी है, तो इसके लिए दवा भी लाना है। इसकी एक पत्ती तोड़ के हम रख लिए डिग्गी में गाड़ी के अपने, तो रिटर्न आने वक्त इसको दवा भी लाना है। तो चलते हैं, निकलते हैं। आज का वर्क क्या होता है, वही लिफ्टिंग पाइकिंग, तो चलते हैं। दोस्तों, अपने रेस्ट रूम में पहुंच गए हैं, तो ड्रेस चेंज कर लिए हैं वर्किंग वाला, तो सामान वामान लेते हैं, चलते हैं अपना काम करते हैं। दोस्तों, साइड पे आ गए हैं तो चल रहे हैं आगे। तो अभी हमको देखना है नंबर, जिस नंबर पे हमको पाइकिंग करना है, लिफ्टिंग करना है, तो चाहे हिसाब से लिखा रहता है। एक बार हम बताए थे वीडियो में, ये नंबर लिखा हुआ है, जो लिस्ट आई थी हम उसी हिसाब से थोड़ा काम करेंगे, उसी लिस्ट में, उसी लोकेशन पे। तो लिस्ट हम खोल के देख लिए हैं, तो यहीं पे है, थोड़ा आगे पॉइंट के पास, क्रॉसिंग के पास है, तो वहीं भी नाप लेते हैं। पारा भी लाए थे अपना, इससे नापेंगे। तो काम शुरू हो गया हमारा, पीछे काम हो रहा है, तो धूप भी हो गई है आज। अभी दिन में भी काम करना पड़ेगा और नाइट में भी काम करना पड़ेगा। तो अभी जो है लंच में जाएंगे, खाना वाना खाएँगे, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। आज नाइट में भी ड्यूटी आना है, तो अभी काम कर लेते हैं। काम अभी हमारा चालू हो गया पूरा, तो काम वाम करने के बाद फिर आराम आराम करेंगे थोड़ा, ताकि नाइट में भी फुल काम करना है। मशीन आएगी, मशीन साथ में काम करना है। दोस्तों, लंच टाइम हो गया है, तो हम लोग काम करके अब जा रहे हैं, टीम जा रही है आगे सब। तो अब हमको सेकेंड टाइम में नहीं आना है, और भी जो टीम रहेगी वो लोग अपना काम करेंगे सेकेंड टाइम में, तो हम थोड़ा आराम करेंगे, ताकि हमको अभी 7 बजे शाम से फिर नाइट में ड्यूटी करना है, मशीन चलेगी। तो अब हम नहीं आएंगे, चलते हैं, आराम करेंगे खाना वाना खा करके। तो मिलते हैं शाम के, क्या होगा देखते हैं, क्या काम होगा, मशीन आएगी तो। तो दोस्तों, हम आगे जो है अभी अपने रेस्ट रूम में, तो यहाँ रुकने कोई मतलब है नहीं, ताकि 7-8 बजे आना है फिर से काम करने के लिए। तो अभी समय है ही है हमारे पास 8 घंटे का, तो निकल जाते जब तक घर, फिर खाना वाना घर ही खाएँगे, फिर रात में फिर आ जाएँगे। दोस्तों, नर्सरी पर आ गए थे, तो हमको दवा मिल गई है जहाँ से हम पेड़ ले गए थे। तो अंकल हैं, तो दवा दे दिए हैं, ये दवा ले जा करके आम के पेड़ में डालेंगे। और बाकी नींबू भी ले लिए हैं हम, एक नींबू का पेड़ है ये, इसमें नींबू का फल आया है, इसको ले जाके लगाएंगे। 120 रुपये का पेड़ है ये, तो यहीं से पेड़ ले जाते हैं हम लगाने के लिए। इसमें काफ़ी पेड़ हैं, अंजीर वगैरह, अंजीर है और फला भी है, अंजीर में फल भी आ गया है, ये अंजीर का है, इस पर फल आया है, तो पेड़ वेड़ हम यहीं से ले जाते हैं। तो नींबू ले लिए, इसमें फूल वूल आ गया था, फल भी आ गया है, तो ले जाकर लगाएंगे, वैसे आम के पेड़ में दवा भी मार देंगे। तो दोस्तों, जो है लाए थे जो नींबू का पेड़, इसको लगाते हैं अंदर आंगने में, इसको काट के लगाएंगे, ताकि इसमें प्लास्टिक भी है, इसकी मिट्टी सही से निकाल लेंगे। अभी आम के पेड़ में दवा भी डालना है, दवा भी मिल गई थी, इसमें फल आए हैं, देखिए 4 फल आए हैं ये। अब इसको फेंक लो भाई, लो। तो आम की दवा ले आए थे, ये दवा फ्री में दे दिए थे, जिसके यहाँ से हम आम का पेड़ लाए थे। 4 पेड़ लाए थे, 4 खराब हो गया था, तो 2 और ला के लगाए हैं, तो ठीक है। तो उसको बताए कि पेड़ हमारा ख़राब हो जा रहा है, तो बोले कि दवा ले जाओ, फ्री में दे दिया दवा, बोले कि भाई परसों फिर आना, फिर देंगे दवा। तो इसको घोल लेते हैं बढ़िया से, इसका घोल बना करके पेड़ में डालना है। तो ये कपड़ा हम इसलिए लगाए हैं कि जिससे कोई जानवर पेड़ को ना खाए, तो इसको धोलेंगे पत्ती को। दवा डाल दिए हैं आम के पेड़ में, अब ये 2 दिन बाद देखेंगे कि क्या होता है इसमें। बोल रहे हैं कि 3 दिन बाद फिर आके दवा ले जाना, तो 3 दिन बाद फिर आके ले जाएंगे, इसको भी खुला रहने देंगे ऐसे ही। तो दोस्तों, जो है करीब 4-5 घंटा आराम भी कर लिए थे, तो अभी नाइट में निकलना है ड्यूटी के लिए फिर से। तो खाना वाना बन रहा है, सब्जी वगैरह, तो खाना वाना खा करके चलेंगे। सब्जी बन रही है जो है हरवई की,
तरोई सब्जी और चावल खाएंगे। अगर रात में जगना रहता है तो मज़ा नहीं आता है, तो आप बिस्किट वगैरह ले जाएंगे, रात में भूख भी लगता है, काम करने के बाद भूख लग जाता है। तो अभी पेड़ वो लगा दिए हैं, तो खाना वाना बन जाए तो खाना वाना खा करके। तो दोस्तों नहावा आ लिए थे, अभी नहावा के एकदम रेडी हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए, तो खाना भी हमारा रेडी हो गया है। तो खाने में बताया था जो है कि तरोई की सब्जी बनी है, चावल, रोटी और घर का दूध है ही है। तो मम्मी कही है घी लाने के लिए, तो घी थोड़ा रोटी में लगा खाएंगे तो मज़ा आएगा। अभी टाइम कितना हो रहा है दिखा रहे हैं, टाइम कितना हुआ है, 7:20 हुआ है। तो 7:20 हुआ है तभी खाना खा रहे, ताकि जाना है उनको जो है साइड पे अपने जो है ड्यूटी के लिए, तो करीब 20-25 लगेगा जाने में हमको, या आधा घंटा भी लग सकता है। तो दोस्तों रेडी हो गए, हेलमेट ले लिए हैं, थोड़ा बैग भी ले लिए हैं, तो चलते हैं अपने जो है नाइट ड्यूटी के लिए। मम्मी अभी यहाँ लेटी है, हवा ले रही, जा रहे मम्मी। अब सुबह हुआ है, खाना खा ली ना, तो बंधुआ में ड्यूटी लग जाती है ना, कभी कभी बंधुआ भी दिखाते हैं, बंधुआ में काम चलता है। तो हमारा हेडक्वार्टर श्रीनगर है, तो श्रीनगर सब लोग जानते हैं घर पे कि श्रीनगर ड्यूटी है, तो बंधुआ में ऐसा हो जाता है कि बंधुआ दूर पड़ जाता है, तो बंधुआ दूर पड़ता है कभी जो है 30-35 पड़ जाता है। तो वही मम्मी पूछ रहे कि कहाँ ड्यूटी करना है, तो वही कि श्रीनगर, श्रीनगर हेडक्वार्टर हमारा है। तो चलते हैं, हेलमेट लगाते हैं, निकलते हैं। तो निकलते हैं, अंधेरा भी है, तो रोड पे चलते हैं। दोस्तों हम आ गए अपने स्टोर रूम में, बैग वगैरह रख दिए हैं, अब चलते हैं थोड़ा साइड पे जाएंगे, अभी कुछ नापना है, वहाँ पे लिखना भी है पॉइंट वगैरह जैसे। तो चलते हैं अभी साइड पे, थोड़ा है तो आप पेंटिंग वेंटिंग पे लिखना है, तो और भी सब लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं अभी साइड पे। दोस्तों हम आ गए हैं साइड पे, तो अभी जो है यहाँ पे कर्व है जहाँ मशीन हमारी चलेगी, जहाँ सुबह मॉर्निंग होता है काम करना है नाइट में, तो मशीन आज यहीं पर चलेगी। यहाँ पे कर्व है, कर्व मैंने गोलाई है, गाड़ी घूम के जाती है, तो यहाँ पे हमको लिखना है। तो हम पेंट वेंट लेकर के आए हैं इधर, तो पेंट वेंट हो गया है, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे हमको लिखना है, ये रेल में लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हमको हिसाब से काउंट करके लिखना है। तो चलते हैं फटाफट लिख लेते हैं और निकाल लें, और निकाल लें पेंट। तो इस हिसाब से जो है सानू पेंट से बगल में लिख लो हैं, तो काम चालू कर दिए हैं, पेंट से लिख रहे हैं, तो बाकी जो है इधर चाक से बना दिए हैं, इधर फिर पेंट से लगा दे रहे हैं, कि मशीन जब आए तो दिखे बढ़िया से ये काम कैसे करना है, और यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से पैकिंग करेंगे मशीन। तो आगे एक यहाँ भी है, तो आगे और देख लेते हैं, और आगे कहाँ भी मिलाना है और कहाँ पर बनाना है। तो लिख लिए हैं, गाड़ी भी आ रही पीछे से, तो पूरा हम लिख लिए हैं। और नाइट में जो काम करना है, तो मशीन आएगी तब काम करेगी, हम लोग चलते हैं अभी रूम पे, जब मशीन आएगी तब हम लोग आएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे मशीन चलवाना था, तो वहाँ पे अभी जो है हम लोग लिख करके चले आए हैं, उसमें मार्क बना दिए हैं जहाँ जहाँ हमको मशीन चलवाना है। तो आ गए हैं स्टेशन पे, प्लेटफार्म नंबर 2 पे हम बैठे हैं, उधर प्लेटफार्म नंबर 1 है, और मशीन आ रही है, इस मशीन इसी पे आएगी, तो मशीन सामने आ गई है, वो आ रही। और दोस्तों टाइम कितना हो गया है,
12:30 बज रहे हैं रात के, ये 12:35 हो रहे हैं। तो हमारी मशीन भी आ गई है, अब यहाँ से ब्लॉक होगा तो मशीन फिर आगे जाएगी साइड पे जहाँ भी हम लोग लिख रहे थे। तो ये मशीन आके हमारे पास आ गई, मशीन ये आ गई। यही भी काम होगा, अभी मशीन से जा रहे हैं हम लोग। मशीन काम करना स्टार्ट कर दिया इधर, तो हम लोग जो है इसको नाप रहे हैं पीछे से क्या है इसका पैरामीटर। तो पंकज लिख रहे हैं और सानू नाप रहे हैं, तो हम लोग जो है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं काम। दोस्तों 70 मिनट का ब्लॉक मिला था, 70 मिनट में करीब 1 किलोमीटर जाएगी मशीन। तो हम लोग पीछे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं इधर, नाप रहे हैं पारा वगैरह। तो जब जैसे मशीन आगे बढ़ती जाएगी पीछे से हम लोग नापते जाते हैं। मशीन काम खत्म कर दी है, तो अब ये मशीन जाएगी अगले स्टेशन पे, तो हम लोग इसी मशीन से चले जाएंगे अगले स्टेशन पे। तो दोस्तों काम करके हम लोग आ गए दूसरे स्टेशन पे, ये देखिए दूसरा स्टेशन है। तो यहाँ भी हम लोग दिन में आते हैं काम करने के लिए। तो मशीन आके खड़ी हो गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अब जब मशीन जाएगी तब भी हम भी यहाँ से जाएंगे, देखते हैं हो सकता है दूसरा ब्लॉक हो जाएगा तो फिर से मशीन वर्किंग पे जाएगी। अगर वर्किंग पे नहीं जाएगी तो चला देंगे, चली जाएगी मशीन दूसरे स्टेशन पे, तो हम लोग वहीं उतर जाएंगे जा करके। तो अभी चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, बेंच वेंच लगी हैं और भी सब लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं। तो आधा घंटा भी देखते हैं, अगर चल जाएगी मशीन तो ठीक है, नहीं तो सुबह मॉर्निंग में फिर निकलेंगे। अभी तो 2 बज रहे हैं। तो इधर सब लोग बैठ गए हैं, क्या वो पंखा चल रहा है? वाह भाई वाह, वाह भाई ठेकेदार 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 हमारे पंखा चला दिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो जो है मशीन स्टार्ट हो गई, हम लोग जा रहे हैं शिवनगर अपने स्टेशन पे। तो मशीन अब दोबारा वर्क नहीं करेगी, दोबारा मशीन वर्क नहीं करेगी, तो हम लोग चल रहे हैं। मशीन जा रही है, तो चलते हैं रूम पे। दोस्तों रात में काम करके आ गए हैं, हम आ गए रूम पे। टाइम कितना हो गए हैं? 4:30 बज गए हैं, 4:35 हो रहे हैं। तो चलते निकलते हैं घर के लिए। तो घर पे थोड़ा ब्रश वगैरह करेंगे फिर सोएंगे, ताकि रात भर जगे हैं।